नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका विप्लव इलेवन में। तो आज जो मैच खेला जाएगा आईपीएल में वो किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। वरना आपको बता दूँ, जो किंग्स इलेवन पंजाब जो है पिछला मैच अपना हार गया है, दिल्ली के साथ खेले थे पिछला मैच किंग्स इलेवन पंजाब, तो पिछला मैच अपना हार गई थी किंग्स इलेवन पंजाब। वहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की बात करें तो पिछला मैच जीत गई थी सीएसके के अगेंस्ट, 1 रन से जीती थी पिछला मैच बैंगलोर, तो बहुत अच्छा मैच था वो। तो आज जो मैच है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि प्लेइंग एलेवन जो पिछला किंग्स इलेवन पंजाब के पिछला प्लेइंग एलेवन था उसको एक बार मैं दिखा देता हूं। एंड फ्रेंड आप लोगों को पता ही है कि टॉस होने के बाद प्लेइंग एलेवन आ जाता है और उस टाइम आप अपना टीम एडिट कर सकते हो। तो देख लीजिएगा, अगर आपकी टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा तो आप उसको चेंज करके किसी और को ले लेना। एंड फ्रेंड जो किंग्स इलेवन पंजाब का जो पिछला प्लेइंग एलेवन था आप देख सकते हैं, क्रिस गेल है, लोकेश राहुल है, मयंक अग्रवाल है, डेविड मिलर है, मनदीप सिंह है, सैम करन है, रविचंद्रन अश्विन, हरप्रीत बरार, उसके बाद एम अश्विन है, और उसके बाद हरदस बिन जॉन, उसके बाद मोहम्मद शामी। तो ये रहा पिंक्स इलेवन का पिछला जो प्लेइंग इलेवन था, उससे प्लेइंग इलेवन को मैंने आपको दिखा दिया। और जो पिछले मैच में जो प्लेयर परफॉर्म किए थे एक बार उनका भी नाम और परफॉर्मेंस बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले थे क्रिस गेल, 69 यानी 69 रन इन्होंने बनाए थे। उसके बाद मनदीप सिंह 30 यानी 30 रन बनाए थे। उसके बाद विकेट लेने वाले जो बॉलर थे वो हरदस बिल जॉन जो कि 2 विकेट लेते, और मोहम्मद शामी ने 1 विकेट लिया था। तो ये था पिछले मैच का कुछ रिकॉर्ड। और इसके अलावा बात करते हैं आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की। तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का जो पिछला प्लेइंग इलेवन था, जैसे विराट कोहली है, पार्थिव पटेल, एवी डिविलियर्स खेले थे पिछले मैच में, मोइन अली है, मार्कस टॉनिस है, अक्षदीप नाथ है, पवन नेगी, अजविंदर चहल, डेल स्टेन, नवदीप सैनी और उमेश यादव। तो ये था इनका पिछला प्लेइंग एलेवन। और जो पिछले प्लेइंग एलेवन था फ्रेंड, इसमें शायद कोई चेंजेस उतने खास नहीं है कि कोई चेंजेस हो, अच्छी प्लेइंग एलेवन है, अच्छा कॉम्बिनेशन के शायद कोई छेड़छाड़ ना करें इस मैच में। और इसके अलावा जो पिछले मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयर थे, पार्थिव पटेल 53 रन बनाए थे, मोइन अली 26 रन बनाए थे, एवी डिविलियर्स 25 रन, यानी पार्थिव पटेल ने 53 रन बनाए थे, मोइन अली ने 26 और एवी डिविलियर्स ने 25 रन बनाए थे। इसके अलावा जो विकेट लेने वाले बॉलर थे एक बार उनकी भी नाम बता दूँ, डेल स्टेन ने 2 विकेट लिए थे, उमेश यादव ने 2 विकेट लिए थे, नवदीप सैनी ने 1 विकेट लिया था, राजविंदर चहल ने 1 विकेट लिया था। तो चारों ही बॉलर का अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, 1 रन से मैच जीती थी वैसे, लेकिन चारों ही बॉलर का ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। तो देख लीजिएगा, अगर आप इनको अपनी टीम में रखना चाहते हो तो रख सकते हो। जो टीम मैंने बनाई वो टीम एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, जो टीम ड्रीम इलेवन में आज मैंने बनाई है वो है, सबसे पहले विकेट कीपर में आप देख सकते हो मैंने पार्थिव पटेल को लिया। फ्रेंड लोकेश राहुल को मैं लेना चाहता था लेकिन क्रेडिट की वजह से मैं ले नहीं पाया। अगर आप क्रेडिट मेंटेन कर लेते हो तो लोकेश राहुल को जरूर लीजिएगा, बहुत अच्छे प्लेयर ओपनिंग आते हैं, पार्थिव पटेल भी ओपनिंग आते हैं, इसलिए मैंने पार्थिव पटेल को लिया कि वो भी ओपनिंग आता है। पिछले मैच में भी अच्छा किए थे इन्होंने, आप देख सकते हैं 47 पॉइंट इन्होंने कलेक्ट किए पिछले मैच में। तो पिछले मैच में अच्छा किए थे, नहीं अच्छा शायद इस मैच में अच्छा खेल जाए, इसलिए मैंने पार्थिव पटेल को रखा। आप चाहो तो लोकेश राहुल को भी रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बैट्समैन की। तो बैट्समैन में मैंने विराट कोहली को लिया, क्रिस गेल को लिया, डेविड मिलर को लिया, मयंक अग्रवाल को लिया। इसके अलावा एवी डिविलियर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है लेकिन इनके भी क्रेडिट थोड़े हाई है, तो इसलिए मैं इनको ले नहीं पाया। आप देख लीजिए, आप ले अगर क्रेडिट मेंटेन कर ले तो ले लेना, एवी डिविलियर्स को बहुत अच्छे प्लेयर है। इसके अलावा फ्रेंड जो दूसरा ऑप्शन आपके पास मनदीप सिंह है, मनदीप सिंह को ले सकते हो, अक्षदीप नाथ भी आपके पास ऑप्शन है तो इनको भी आप ले सकते हो। तो देख लीजिए आपको किन के साथ जाना है। जो 4 बैट्समैन मैंने लिया एक बार फिर से बता दूँ, विराट कोहली, क्रिस गेल, डेविड मिलर और मयंक अग्रवाल है। इसके अलावा बात करते हैं ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर मैंने रविचंद्रन अश्विन को लिया, मोइन अली को लिया, सैम करन को लिया। इसके अलावा फ्रेंड आप ले सकते हो मार्कस स्टोइनिस को, और इसके अलावा जो बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। हरप्रीत बरार उतने अच्छे परफॉर्म कर नहीं पाए, पिछले मैच में खिलाया था इनको लेकिन उतने अच्छे परफॉर्म कर नहीं पाए, अगर इस मैच में खिलाते तो आप शायद देख लीजिएगा। हरप्रीत बरार को लेते हो तो आपका थोड़ा क्रेडिट भी मेंटेन हो जाएगा, तो देख लीजिए, क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत है, 7.5 बहुत कम है। और जो 3 ऑलराउंडर मैंने लिया एक बार फिर से बता दो, रविचंद्रन अश्विन, मोइन अली और सैम करन। इसके अलावा बात करते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में मैंने अजविंदर चहल को लिया, हरदस विल जॉन को लिया, इसके अलावा जो चौथा बॉलर नवदीप सैनी को लिया, सॉरी तीसरा बॉलर मैंने नवदीप सैनी को लिया। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड आपको बता दूं, पवन नेगी को आप ले सकते हो, इसके अलावा एम अश्विन को आप ले सकते हो, इसके अलावा उमेश यादव आपके पास ऑप्शन है, डेल स्टेन आपके पास ऑप्शन है,
इसके अलावा मोहम्मद शामी आपके पास ऑप्शन है, तो आप इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। देख लीजिएगा आपको किन के साथ जाना है किन के साथ नहीं जाना। जो तीन बॉलर मैंने लिए एक बार फिर से बता दूं, अजिंदर चहर, हरदस बिल जॉन, इसके अलावा नवदीप सैनी, ये तीन बॉलर मैंने लिया है। चलिए फिर अभी कैप्टन और वाइस कैप्टन दिखा देता हूँ और एक बार टीम प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं ये कैप्टन मैंने विराट कोहली को रखा है और वाइस कैप्टन क्रिस गेल को रखा है। इसके अलावा फ्रेंड जो आपका ऑप्शन है फ्रेंड, आप डेविड मिलर को भी बना सकते हो। उसके अलावा पार्थिव पटेल की जगह लोकेश राहुल को लेकर लोकेश राहुल को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं। इसके अलावा एबी डिविलियर्स को भी आप लेके कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, तो देख लीजिएगा आपको किन के साथ जाना। इसके अलावा मोइन अली भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो ऑलराउंडर में। तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन देख लीजिएगा, अलग बनाइएगा अगर आप सेम टीम बना रहे हो तो, एंड अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन अलग कर रहे हो तो ठीक है, सेम टीम के साथ आप जाइए जा सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीम सेम हो जाता है और जो आपका जो प्राइज मनी होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो प्लेयरों में, तो सेम टीम मत बनाइएगा, एक आध प्लेयर को जरूर चेंज कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिलता है वीडियो को देख करके ड्रीम इलेवन की टीम बना सको। एंड फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड, थैंक यू सो मच।